तुम यहाँ नहीं होती अगर वो उस कमीनी के साथ ना होती तो। उसने उसको चुना है, तुम्हें नहीं। मेरे हिसाब से तुमने दुनिया पर एहसान किया उस बेशर्म को मारकर। रुक, तुझे बताती हूँ। ए लड़कियों, लड़ना बंद करो, यहाँ से छोड़ो, क्या हो रहा है यहाँ पर, हट जाओ। मैं कहता हूँ रुको, छोड़ो यहाँ से, उसे लेकर चले हो जाओ, चलो यहाँ से, चल चलो, निकलो यहाँ से, छोड़ो ये सब, क्या चल रहा है यहाँ से, मैंने कहा बंद करो। दोबारा पंगे मत लेना मुझसे, वरना अच्छा अंजाम नहीं होगा इसका। छोड़ो मुझे। बैठो यहाँ। ये तुमने मुझसे पिछले हफ्ते कहा था, मेरी बात सुन रहे हो ना? मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। हाँ तो डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस वाले आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि कैदी नंबर 0822 जो कि यकीनन तुम हो, उसने बहुत सारे नियम तोड़े हैं। वो मुझे मारने वाली थी, पर मैंने यहाँ पर देखा कि उसने नहीं बल्कि तुमने पहले अटैक किया। उसके पास चाकू था। देखो, उसके पास हथियार था या नहीं था अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने उसे दो हफ्ते के लिए बंद करवा दिया है। लेकिन तुम क्या? क्या मतलब क्या? ज्यादा सवाल मत करो। तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। देखो, तुम ये ट्राई करो, ये तुम्हें पसंद आएगा, एक बार इसे लेकर तो देखो। ये लो, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ले लो, डरो मत, कुछ नहीं होगा, ये लो आराम से। अब बताओ कैसा लग रहा है? तो अब मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम मुझे अभी खुश करो, और जो तुम ये नशा कर रही हो, ये बात यहीं दब जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, तो खड़ी हो जाओ, भगवान खड़ी हो जाओ, बहुत बढ़िया, ओके, घूम जाओ, गुड, अब पैंट उतारो, बेंड ओवर। There you go. This is fun. This is gonna be fun. All right. Okay, here we go. Just one second here. You gotta be safe nowadays, you know? Okay. All right, there we go. Okay. Damn.